स्पीकर सर एक मिनट, स्पीकर सर अभी भी मंत्री ने हाउस को मिसगाइड किया। जो बात मंत्री जी ने कही कि धरना समाप्त हो गया, आज भी चोपटा तहसील के अंदर धरना लगा हुआ है। आज भी किसान उसी क्लेम को लेकर के धरने पे बैठे हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब फैसला हुआ था तब यह फैसला हुआ था कि जब तक सब किसानों के खाते में एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, हम टंकी से तो उतर रहे हैं, लेकिन हमारा धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक सब किसानों के खाते में पूरे के पूरे पैसे नहीं आ जाएंगे। ये जो बात मंत्री ने कही है ये भी हाउस को मिसगाइड करने वाली बात है कि धरना समाप्त होगा। इनको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी, डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहिए था कि वहां धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले यही बता दो ना इसी बात का ही कि आपके पास जानकारी है इस बात की धरना समाप्त हो गया है। क्या जानकारी पूछ रहा हूँ? हाउस को मिसगाइड करते हो आप? पूछे आप पूछ रहे पूछे, मैं जवाब दूंगा एक बार। आधिकारिक बयान दे दो। बयान तो यहां दे दिया ना, फिर इससे बड़ा बयान और इससे बड़ा और क्या झूठ बोलेंगे? आज भी धरने पे बैठे हैं किसान एरिया, उसमें कह रहे हैं कि धरना समाप्त हो गया। अभी भी आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो, मैं हाउस में पूछ के बता दूं टेलीफोन पे भी धरने पे बैठे हो कि नहीं बैठे। पूछ लिया सवाल तो जवाब कहां है? हो गया इसका जवाब। अभी कुछ और कुछ पूछना है? हाँ हाँ जवाब तो ले, अभी तो जवाब तो बाकी पड़े। मैंने तो जो हाउस को पहली बात जो हम डिस्क्राइब किया मैंने वही बताया। अपना सप्लीमेंट्री पूछे, जो भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। अच्छा वही बात आ गई ना कि आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, मंत्री झूठ बोलता रहे हम सुनते रहे। जितना मर्जी पूछिए मैं जवाब दूंगा, आप जितना मर्जी पूछिए मैं जवाब, हम झूठ सुनते रहे। आप अपना प्रश्न पूछो, जो भी है जो मंत्री जी जवाब देंगे गलत सही वो आपने देखना है। इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, झूठ बोले झूठ बोले उस पर क्या कार्रवाई, वो छिले ले ही भी। वर्ष 2022 में फसल के बारे में बीमा कंपनी जिसका नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, फसल की कटाई की प्रतिक्रिया पे आपत्ति दर्ज करने की वजह से बीमा क्लेम में अदायगी में देरी हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 के अंदर सरकार ये बताए कि 2022 में खरीफ की फसल के बीमे की अदायगी में देरी होने का कारण क्या था और किस कारण की वजह से किसानों को 2023 तक बीमे के क्लेम के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, पानी की टंकी पे चढ़ के सरकार को चेताना पड़ा, 90 दिन तक किसान जो है धरने पे बैठे रहे पहले, और जब 90 दिन में एक बार भी डिप्टी कमिश्नर ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या इस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी ने जाकर के उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मजबूर होकर के ये फैसला लिया कि हमें सरकार को चेताने के लिए अब कोई और अगला कठिन कदम उठाना पड़ेगा। चार किसान जो है नारायणखेड़ा गांव की टंकी के ऊपर जाकर के चढ़े और वहां भी 16 दिन तक जब वो टंकी पे चढ़े रहे, तब जाकर के डिप्टी कमिश्नर ने उनके साथ बातचीत शुरू करी। वो बातचीत भी उससे शुरू नहीं करी कि टंकी पे चढ़े हुए किसान को उतारने की बात, जब टोल रोक दिया गया, टोल के ऊपर हजारों किसान आकर के बैठ गए, तब जाकर के सरकार ने मजबूरी में बात करी। और उसमें भी अब तक जो है केवल आश्वासन है किसान को कि तुम्हें पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री से कि ये बताएं कि आप ये कहते हो कि हमारी मीटिंग हुई अधिकारियों की, जो मीटिंग आपने बताई है इसके अंदर कि सेंटर की सरकार के साथ मीटिंग कर ली और मीटिंग में फैसला हो गया कि आपको क्लेम दे दिया जाएगा, आप एक साल तक क्यों सोए रहे? ये पैसा जब 2022 का 2023 में, और वो भी किसान आपको मजबूर करता है, तब जाकर के आप उस किसान की बात के लिए कहीं दो कदम आगे बढ़ने का काम करते हो। हालत किसान की ऐसी कर रखी है कि किसान को हर चीज के लिए
मजबूर होकर के रस्ते रोकने पड़ते हैं, मजबूर होकर के धरने देने पड़ते हैं, मजबूर होकर के प्रदर्शन करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, चाहे सूरजमुखी की खरीद की बात हो, सरसों की खरीद की बात हो, चाहे क्लेम की बात हो, चाहे बाजरे के नुकसान के मुआवजे की बात हो, हर चीज में किसान को प्रताड़ित करने की सिवाय सरकार और क्या कर रही है किसान के लिए। आप किसान को कहते हो कि हम किसान के बड़े हितैषी है, हितैषी का तो कल नहीं देख लिया था बाजरे में तुम्हारी क्या स्थिति थी, आज क्लेम में तुम्हारी क्या स्थिति है तुम्हारे सामने। एक वर्ष हो गया किसानों को, एक वर्ष से किसान को जो है उसका क्लेम का पैसा अब तक सरकार ने नहीं दिया। क्या सरकार जो है जो एक वर्ष का क्लेम जो किसान का ड्यू है वो पैसा जो 623 करोड़ रुपए है उसका ब्याज भी साथ में देगी? क्या उस किसान की जो उसने कर्जा उठाया था इस दौरान और जो कर्जा उठा करके अगली फसल की बुआई उसने करी थी उस कर्जे के ऊपर जो उसने ब्याज दिया, क्या उस ब्याज की अदायगी तुम्हारी सरकार करेगी? तुम्हारी सरकार की बेकायदगी की वजह से उस किसान को एक वर्ष तक इन सब मुसीबतों को झेलना पड़ा। आप बैठे बैठे दांत निकाल रहे, कम से कम यह सोचने की बात है। उसकी अभय जी प्रश्न पूछिए, क्या है? आप दो प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हाँ, दो प्रश्न पूछते, जब मैंने मंत्री की तरफ देखा तो कोई डिबेट नहीं, कोई भी किसी प्रकार की डिबेट नहीं, दो प्रश्न पूछिए कोई भी सीधे सीधे। प्रश्न तो एक ही पूछा, उसके भाग है क्या, कह गए जो भी है। हाँ, दो प्रश्न पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ? दो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या और क्या? सुनो एक मिनट। हाँ जी, जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो एक क्वेश्चन लगाया जाता है, उसके भाग होते हैं ए बी सी डी ई एफ, जितने मर्जी उस पर पूछे जा सकते हैं। ए बी सी डी, ये मेरे ए बी सी डी है, इसमें ये पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता? नहीं, दो से ज्यादा नहीं। कमाल ही होगी भाई, दो से ज्यादा नहीं। क्या क्या सुनना पड़ेगा यहाँ? कादिया साहब, अरे विधानसभा में भाग होते हैं नहीं होते? क्या कमाल करते हो, भाग कह भी होता है, कह भी होता है, गह भी होता है, होगा उसका जवाब। दो प्रश्न से ज्यादा आप पूछ नहीं सकते, दो प्रश्न पूछ लीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कब तक पैसा मिलेगा, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। क्या कितने पूछ लो, सवाल पूछ लो चाहे 10-20। अब तक कितना पैसा जो है मंत्री ये बताए कि कितना पैसा कितने किसानों के खातों में अब तक जमा कराए, और बाकी बची हुई राशि कब तक जमा कराएंगे, और क्या वो पैसा ब्याज के समय देंगे या नहीं देंगे? और ये जो इन्होंने कहा कि धरना खत्म हो गया, उसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण दे। नीरज जी,